तो कहते हैं यार यहाँ पे दो ही शायर हैं, तो मैं अब सोच रहा हूँ एक तो मैं हो गया। तो अब इसने डॉक्टर निर्मल मान को निकाला है या अपने ज़िया ज़फ़ीर को निकाला है? तो ये इतना जालम शख्स है, पता नहीं दुनिया कैसे इसके साथ रहती है। तो कहता है, मैंने कहा कौन है? तो कहता है एक ज़िया ज़फ़ीर है, एक डॉक्टर निर्मल मान है। तो अब इसलिए मुझे खास तौर पे एक अपनी गजल पढ़ने जा रहा हूँ, और खुशी मुझे इस बात की है कि ये मैंने पहले भी सुनाई थी इसी एक महफिल में काफी अर्सा पहले, तो वो मुझे किसी ने कहा है, तो इसलिए मुझे खुशी है मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे शादीशुदा मर्द कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा करे जरा, जो शादीशुदा है। जरूर सब डर रहे हैं। तो ये जो है मेरी गजल है, इसका उन्वान है मूंछ बटा चोटी। तो अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी इजाजत के साथ। शुक्रिया। कहता है शायर, कहता है मानता हूं कि ये सदाकत है, मानता हूं कि ये सदाकत है, मांगती वो सदा वजाहत है। मानता हूं कि ये सदाकत है, मांगती वो सदा वजाहत है, और वो जो बीवी से पंगा लेते हैं, वो जो बीवी से पंगा लेते हैं, जिंदगी से उन्हें अदावत है। वो कहे, यानी बीवी कहे, वो कहे उठ के पाओ दाबो जी, वो कहे उठ के पाओ दागो जी, दाबो जी, इस अदा में भी क्या हलावत है। वो कहे उठ के पाओ दाबो जी, इस अदा में भी क्या हलावत है। ताओ मूछों को दे के धोता हूं, पूछा है या नहीं, लेकिन ताओ मूछों को दे के धोता हूं, बर्तनों से मुझे लगावट है। ताओ मूछों को दे के धोता हूं, बर्तनों से मुझे लगावट है, और वैक्यूम, वैक्यूम क्या मधुर साजीना है, वैक्यूम क्या मधुर साजीना है, और कपड़े धोना तो एक इबादत है। कपड़े धोना तो एक इबादत है। भाइयो, सो के उठी तो खाना दे ना सका, सो के उठी तो खाना दे ना सका, ये मेरी क्या भला शराफत है। और ऊपर से देखे, हंडिया में देर की तो डांटा नहीं, हंडिया में देर की तो डांटा नहीं, मेरी बीवी में क्या सखावत है। भाइयो, आज तो मीठा भी बनाऊंगा, आज तो मीठा भी बनाऊंगा, मेरी प्यारी को इसकी चाहत है। सब मुझे घूर घूर देखते हैं, गर्चे बातों में एक फसाहत है। दोस्तों जानते हो ये सब सच है, दोस्तों जानते हो ये सब सच है, अरे मान लेने में क्या कबाहत है। और जिनको मर्दानगी के दावे हैं हाथ खड़ा करें, जो शादीशुदा मर्द जिनको मर्दानगी के दावे हैं हाथ खड़ा करें। ऐ कुल्लू दी बीवी वाले पाकिस्तानों नहीं आई होने, चल सामने ही ना। जिनको मर्दानगी के दावे हैं उनकी बातों में कुछ बनावट है। और हकीकत यह है कि घर तो
तो सब बिल्ली बन के रहते हैं, घर तो सब बिल्ली बन के रहते हैं, बाहर बड़कों की खाली आदत है। अगर मौका मिला तो फिर मैं अगली ताजा तरीन भी सुनाऊंगा, ये एक पुरानी।